देहरादून में स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही कंपनी ने भुगतान ना होने पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और पिछले चार दिनों से कंपनी के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस दौरान आज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से कंपनी 100 वार्डों में LED लाइट लगाने और इनकी मरम्मत का कार्य देख रही थी। ये जैसे आपको पता है कि ये हम अपना सर्टिफिकेट के लिए आज हम जिलाधिकारी मैडम से मुलाकात हुई थी हमारी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, सकारात्मक आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी कुछ ना कुछ। उसके अलावा हमने ये अपनी ज्ञापन की कॉपी महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य मानवाधिकार को भी हमने प्रेषित कर दिया है ऑलरेडी। क्या कहना है आपका, क्या है? हम यही चाहते हैं कि हमारे बात पे गौर किया जाए और कुछ कार्रवाई हो जिससे हमारा काम हो सके और ये जो हमारे वेतन की समस्या है ये दूर हो सके। हमारा 2 माह से वेतन रुका हुआ है और 3रा माह आज स्टार्ट हो गया है, और हमारे जो 70 कर्मचारी हैं, किसी ने अपने बच्चों की फीस देनी है, किसी ने मकान का किराया देना है, किसी ने गाड़ी की किस्त देनी है, इसी उससे हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस बोर्ड बैठक में जिस ठेकेदार को पहले बाहर कर दिया था नगर आयुक्त, उसका फेवर में होके उसे काम देने के चक्कर में, अगर ऐसा होता है तो हम जितने भी कर्मचारी हैं हम नगर आयुक्त के घर पे जाके आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे।